दोस्तों, अगर आप अपने बालों के टूटने, झड़ने, डैंड्रफ या फिर दो मुंहे बालों से परेशान हैं, या फिर आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, आपके बालों की लंबाई नहीं बढ़ती है, या फिर आपको ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और ये वीडियो आपको आखिर तक देखेगा तो आपको मैं इसमें एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव टिप भी दूंगी। दोस्तों, ये जो चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगी, ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम्स को दूर करके उसे ग्लोई बनाएगा। तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत वेलकम है मेरे चैनल हेल्थ ब्यूटी और टिप्स पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं इंशाल्लाह ठीक हूँ, आप भी सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज आपके साथ मैं बहुत ही सिंपल सी एक रेमेडी, हेयर रेमेडी, स्किन रेमेडी आप कह सकते हैं, वो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करके अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आजकल के टाइम में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करने से जो हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं और केमिकल भरे हम बहुत से हेयर प्रोडक्ट्स और शैम्पू कंडीशनर हम यूज़ करते हैं, वो हमारे बालों को डैमेज कर देते हैं। और दोस्तों, जैसे सैलून में हम जाते हैं अपने बालों को ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, साथ ही साथ उसमें केमिकल प्रोडक्ट होते हैं। दोस्तों, चाहे एक बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सभी चाहते हैं कि उनके बाल अच्छे रहें और लंबे टाइम तक टिके रहें, साथ ही साथ सब ये भी चाहते हैं कि उनके बाल झड़े नहीं, गंजापन ना आए, और जो कि ज़्यादातर मेल्स के अंदर, बॉयज़ के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ये चीज़ लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर भी मिल सकती है। दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपके साथ जो फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा सिल्की बाल देगा और आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी है, उन्हें एकदम से सॉफ्ट बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बाउल, आप कोई भी कांच का बाउल ले लें। दोस्तों, जो पहला ऑयल जाएगा वो है कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल के लिए मैंने पूरी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, जिसका मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए एक तरीके का वरदान है, ये हमारे बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कवर करता है। अगर हमारे बालों में मॉइस्चर नहीं है, हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, और ये हमारे बालों के अंदर नमी बनाता है, हमारे बालों को कंडीशनिंग करता है, और हमारे बालों के जो जान, एक तरह से बेजान हो जाते हैं बाल, ऐसे बालों में जान डाल देता है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिया है ये एक टेबल स्पून, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो हमेशा इस ऑयल को आप किसी दूसरे ऑयल के साथ में मिलाकर ही यूज़ करें, चाहे वो कोई भी ऑयल हो सकता है, सरसों का तेल, चाहे आप सरसों का तेल ले लें, नारियल का तेल ले लें, जोजोबा ऑयल या फिर आमंड ऑयल, आपको जो पसंद हो आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कैस्टर ऑयल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होता है, और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे बालों को, हमारी स्किन को ग्लोई करता है, हमारी बालों की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, और हमारी जो ग्रोथ होती है बालों की उसे बूस्ट करता है, हमारी स्किन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये कवर करता है, इसलिए बहुत ये जो मैं ऑयल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंस्टेंट हम कैसे रेडी कर यूज़ कर सकते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, अब जो दूसरा ऑयल है, मैंने यहाँ पर लिया है पैराशूट का 100% कोकोनट ऑयल। गाइज, आपके पास जो भी ब्रांड का हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर नहीं जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप वही लें, जो भी आपके पास हो आप यूज़ कर लें। कोकोनट ऑयल को कोई ऐसा नहीं होगा जो ना जानता हो, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, और ये हमारे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोकोनट ऑयल के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और बहुत से ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे बालों को अच्छा करती है और हमारे बालों को नरिश करती है, साथ ही साथ डीप कंडीशनिंग हमारे बालों में होती है कोकोनट ऑयल से। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मैंने बहुत ही बेस्ट चीज़ें ली है, और कैस्टर ऑयल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और नारियल ऑयल भी। यहाँ पर मैंने नारियल ऑयल जो लिया है वो 3 टेबल स्पून लिया है, 1 चम्मच के अंदर 3 चम्मच मैंने यहाँ पर मिलाया है कोकोनट ऑयल। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, जो ये फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है इसको बनाने में, और ज़्यादा झंझट नहीं है, आपको ज़्यादा चीज़ें भी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप इसे हमेशा इस क्वांटिटीज़ की घटा बढ़ा सकते हैं अपने बालों के अकॉर्डिंग। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें लेनी है जो मैंने आपको बताई है, और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसे हमें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है बड़ा, और उसमें मैं क्या करूँगी, मैंने अपनी ये जो
ऑयल की जो हमारी कटोरी थी इसके अंदर रख दी है। और हमें कांच का ही बर्तन लेना है, आप जार भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं आप इसको 1 महीने के लिए भी बनाकर रख सकते हैं, बस आपको। तो दोस्तों अगर हमने एक हिस्सा कैस्टर ऑयल का लिया है तो हमें 3 हिस्से कम से कम कोई भी ऑयल लेना पड़ेगा, जैसे कि नारियल का तेल लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पानी को बिल्कुल गर्म कर लिया था, और क्योंकि ये कांच की कटोरी थी इसीलिए मैंने इसमें अपने तेल को गर्म किया था, ताकि जो इसके बेनिफिट्स है, गुणों है, वो बिल्कुल ख़राब ना हो। और पानी का ख्याल रखना है कि वो तेल के अंदर ना जाए, वरना हमारा तेल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट हीट पर नहीं बनाया करा था। इसे मुझे थोड़ा सा मतलब हीट गर्म करना था अच्छे से, ताकि आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पर देखा, अब जब इसका टेम्परेचर सही हो गया था उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया। तो उसके बाद दोस्तों मैंने इस कटोरी को आराम से इसके अंदर से निकाला। गाइस यहाँ पर आप ध्यान से कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप जल जाए, इसीलिए आप बहुत केयरफुली कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ऑयल को निकाल लिया है इस कटोरी से, और ये मेरे बालों के लिए इनफ है। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है बालों के ऊपर और स्किन के ऊपर, इसलिए ये जो क्वांटिटी है, अगर आपके कमर तक बाल है तो ये उतना काफ़ी रहेगा। और हाँ, इसको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि लड़कियाँ यूज़ कर सकती हैं, इसको बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हेयर है और डैंड्रफ है, और या फिर स्प्लिट एंड है, उसके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले अगर आप चाहे तो करें या ना चाहे, ये स्टेप ऐसा है कि आप अपने बालों में हल्का सा पानी स्प्रे कर लें, हल्का सा, बिल्कुल पानी टपकना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप ऑयल की अच्छे से मसाज करेंगे तो वो आपके बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, और आपको इसकी मसाज करनी है अपने पूरे सर के अंदर, स्कैल्प के अंदर 5 से 10 मिनट तक आपको इसे अच्छे से मसाज करनी है। फिर जो बचे उसे आप अपने बालों की लेंथ पर अप्लाई कर लें। दोस्तों अगर आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए लगा रहे हैं तो इसे शावर कैप से अपने हेड को कवर कर लें अच्छे से बालों को, या फिर अगर हो सके तो आप इसे ओवरनाइट यूज़ करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके बालों को इसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है इस तेल को बनाकर, और ये बहुत इंस्टेंट तेल है तो आप इसे हफ्ते में 2 बार बनाकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए, किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कीजिएगा। और अगर आपके पास माइल्ड शैम्पू नहीं है, कोई आप केमिकल या किस टाइप का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर तब इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है, बालों में जो कमी आती है वो कम आती है। अब आपको क्या करना है, अपने बालों को जो ड्राई करना है वो हेयर ड्रायर से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसे गर्म हवा फेंकता है, इस वजह से आपको उससे बिल्कुल नहीं करना है। आप इसे नेचुरल एयर में या फिर पंखे की हवा से, या फिर नॉर्मली ऐसे ही अपने बालों को आप सूखने दीजिए, और आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम में ही आपके बालों को इंस्टेंट चमक मिलेगी और मॉइस्चर मिलेगा। गाइस सबसे ज़्यादा दो मुहे बालों की प्रॉब्लम आती है वो जो हीट हमारे बालों पर अप्लाई की जाती है उसकी वजह से आती है। तो अब जो दूसरी टिप थी जो मैं आपको बताना चाहती थी वो है स्किन के लिए। ये स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारी स्किन को ग्लोई करता है, हमारी स्किन को नरिश करता है, फाइन लाइंस को दूर करता है, और साथ ही साथ जिसकी स्किन खिंची खिंची रहती है, सूखी सूखी रहती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको इसे क्या करना है, थोड़ा सा लेकर आप इसे अपने स्किन पर अप्लाई करें, मसाज करना है, और आपको मसाज सर्कुलर मोशन में करना है हमेशा से। जब भी आप मसाज करें आपको ऊपर की साइड में मसाज करना होता है। तो गाइज ये इतना इजी आप फॉर्मूला है कि आप इससे बहुत सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं, और बिल्कुल 2 चीज़ों से बना है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ही चीप एकदम आसान वाला नुस्खा है। और उसके साथ में आपको क्या करना है, जब भी आप इस चीज़ को अपने अपने फेस पर अप्लाई करें, साथ ही साथ अपने हाथों पर भी करें, क्योंकि जो एजिंग साइन होते हैं वो सबसे पहले हमारे हाथों पर आते हैं, झुर्रियाँ आने लगती है हाथों पर। तो इस तरह से आप सर्कुलर मोशन में अच्छे से अपने हाथों पर मसाज करें, पैरों पर करें, और अपने फेस पर भी अच्छे से मसाज करें। जो फाइन लाइंस होती है, अगर हम रेगुलर मसाज करते हैं अपने चेहरे पर 5 मिनट के लिए, तो वो गायब हो जाती है। आपको फिर अपना नॉर्मल वाटर से आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, वैसे तो करनी नहीं चाहिए। आप बेसन, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर उसके पेट से अगर अपना फेस धोएंगे तो आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट उससे मिलेगा। और जो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है ये भी बहुत ही गजब का नुस्खा है।
दोस्तों अब जो तीसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वह है ये कि गाइस हमारे जो एप्लीकेशन होता है उससे सब कुछ नहीं होता है। आपको हमेशा हेल्दी रहने के लिए खुश रहना चाहिए, टेंशन फ्री रहना चाहिए, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए, कम से कम 8 गिलास 9 गिलास दिन में। और अगर आप डेली एक फ्रूट खाते हैं, चाहे वो एप्पल है, ऑरेंज है, कोई भी फ्रूट है, आप वो भी लें, जिससे क्या होगा आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी बॉडी के अंदर से। और हरी सब्जियां खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं, फल फ्रूट खाएं, उससे क्या होगा आपकी जो बॉडी है वो अंदर से हेल्दी रहेगी। और जब आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी रहेगी तो उसका रिजल्ट आपके बालों पर, आपके स्किन पर, आपके नेल्स पर ऑटोमेटिकली दिखता है। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लगा रहे हैं और हमें उसका फ़ायदा नहीं हो रहा तो समझ लीजिए आप इंटरनली हेल्दी नहीं हैं। उसके लिए आप योगासन करें, आप डेली मॉर्निंग वॉक करें, और शाम में भी अगर हो सके तो आप 10 मिनट के लिए टहलें डिनर के बाद में, और अच्छे से आप योगासन कर सकते हैं। योगासन से हमारे जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई होता है, ब्लड से रिलेट ब्लड में अगर हमारी इम्प्यूरिटी होगी तो उससे क्या होगा, हमें मुहासों की, कील की, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती रहेगी, मलाजमा की, इन सब चीज़ों की, और बाल हमारे टूटेंगे। तो गाइज़ ये था आपके लिए, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया वीडियो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था आपको बताने के लिए। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।